हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी जो है मॉर्निंग के हो रहे हैं 8 AM सॉरी। एंड आप मेरी हालत देख सकते हो। एंड इधर जो है मेरे को ये लग चुका है। सो हम लोग कल रात से आए हुए हैं 10 बजे से, तो वही प्रोसीजर बार बार चल रहा है। पीवी एंड ऑल एनएसटी चेक कर रहे हैं, बेबी की हार्ट बीट वगैरह। सो अभी बस आगे का प्रोसीजर जो भी होना है वो करेंगे। सो अभी तो बस हालत ख़राब है, पेन्स आ रहे हैं, इंटेंसिटी भी पेन्स की ज़्यादा ही है अब तो। अभी तो बस ऐसे ही है। एंड साथ में मेरे हस्बैंड है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हस्बैंड मेरे साथ हैं, ये तो आराम से सो चुके हैं 4-5 घंटे के लिए। घंटे नहीं सोया? 6 घंटे नहीं सोया? चार चार पाँच पाँच चार घंटे तो सोए हो, उससे ज़्यादा ही सोए हो। एंड इधर हमारा ये हॉस्पिटल बैग रखा हुआ है, उधर बेबी का एंड इधर मेरा। तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा। एक्साइटेड हूँ मैं बच्चा देखने के लिए। सारी एक्साइटेड है, मैं भी हूँ एक्साइटेड। पर मुझे वही कि वो लेबर पेन बहुत हॉरिबल होते हैं। एंड मुझे यहाँ पर एक ना इस जगह पे, ये देखो जहाँ पे आपको ये रेड मार्क दिख दिखा रहा है चुका ना, ऑलरेडी तुम्हें? ये कल आपको आपने देखा होगा व्लॉग में। तो यहाँ पर एक इंजेक्शन लगा था जो कि चेक करने के लिए लगा था कि आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। एंड आप मेरे लिप्स देख सकते हो कितने ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि कल से जो इन्होंने मुझे वही उबला हुआ खाना दिया था जो आपने मेरे व्लॉग में देखा। एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, बिकॉज अभी कुछ भी खाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी तो गाइज यही है, 8 बज गए हैं। अब देखते हैं कब तक जो है वो लेबर पेन जिससे इंक्रीज होंगे, कब वो ड्रिप चढ़ाएंगे, तो उसके बाद ही जो है लेबर पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो गाइज अभी बस चलो, मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं, सॉरी क्या बोलूँ। सो गाइज अभी मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। हो सकता है कि अब तो मैं व्लॉग ही ना कर पाऊँ, तो आगे का जो भी होगा वो मेरे हस्बैंड आपको दिखा देंगे। सो बाय। तो गाइस यहाँ पे जूस पिया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको खाली लिक्विड डाइट ही लेनी है और आप सॉलिड चीज़ कुछ भी नहीं खा सकते हो। तो आपको कैसा लग रहा है लिक्विड डाइट लेके नेहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आया। वेरी गुड। गाइस यहाँ पे जो है ना मुझे ड्रिप चढ़ा दी है जिससे कि लेबर पेन जो है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए। एंड गाइस सीरियसली ये टाइम जो होता है ना एक मदर के लिए, मतलब ये एक फीमेल ही समझ सकती है कि कितना डिफिकल्ट टाइम होता है ये। एंड मुझे यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, एंड जिसकी वजह से बेबी की जो हार्ट बीट थी वो डिप हो रही थी, मतलब 100 से नीचे जाए जा रही थी बार बार। तो इसलिए मुझे ऑक्सीजन भी लगा दिया था। एंड गाइस इस टाइम जो है मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन्स हो रहे थे, मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो रहे थे, इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे। एंड मैं कॉन्टिन्यूटी में बस रो ही रही थी, रोए ही जा रही थी। एंड अभी आप मेरी आवाज़ गाइस इग्नोर करना, क्योंकि मैं बहुत अभी इस टाइम परेशान हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी हालत क्या हो रखी है। एंड गाइस पूरा एक दिन हो चुका है, बेबी मेरे पास अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। एंड इस टाइम जो है मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। एंड गाइस पता है क्या हुआ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी होते होते जो है मेरा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि बच्चे ने जो कर दी थी पॉटी, सिर्फ आधे घंटे तक मैं रुक सकती थी, लेकिन बच्चे की पॉटी करने की वजह से मेरा इमीडिएटली जो है सी सेक्शन हो गया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एंड मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। तो गाइस अपडेट ये है कि बच्चे ने पॉटी कर दी है अंदर नेहा के पेट में, तो उस वजह से डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और
नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हैं, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तो अंदर गई हुई है, होपफुली ऑपरेशन ना हो, पर देखते हैं, भगवान भरोसे। सो गाइस, नेहा का ऑपरेशन हो चुका है, तो अब वो ओटी से आ गई है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ उसको कैसी उसकी हालत है, कैसी उसकी तबीयत है। गाइस, यहाँ पे जो है मेरा ऑपरेशन हो गया था, एंड मैं मम्मी को देख के, हस्बैंड को देख के इतना रोने लगी कि क्यों हो गया। मतलब मैंने तो नॉर्मल के लिए इतना ट्राई किया था, इतना ट्राई किया था। फर्स्ट डिलीवरी मेरी नॉर्मल थी, देन मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं लिटरली गाइस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि सिजेरियन बहुत टफ होता है। एंड यहाँ पे देखो, चीकूश इवनिंग में आ गई थी, क्योंकि वो बहुत रो रही थी, उसको मेरी याद आ रही थी। तो यहाँ पर ये लोग जो है ना, वो ही थोड़ा बहुत खा रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। तो गाइस, बस यही है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए ये टाइम ना। मतलब जो सोचा नहीं था वो हो गया। एंड यहाँ पे मेरे पापा जो हैं, मुझे सूप पिला रहे हैं, एंड मेरी भाभी जो है क्लीन कर रही, क्योंकि मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। एनेस्थीसिया की वजह से मेरे नीचे का पोर्शन बॉडी जो है बिल्कुल सुन्न थी।